हेलो फ्रेंड नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट एयर कंप्रेसर। जैसे आप देखते हैं मेरे पास ये टू स्टेज एयर कंप्रेसर है। पहले मैं इसके ऑल पार्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो ये वाला पार्ट है इसका एयर फिल्टर है एंड ये इसके सिलेंडर ब्लॉक्स हैं फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। ये इसकी मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर सब देख रहे हैं। यहाँ पे इसका गेज दिख आपको गेज देख रहे हैं एंड ये बहुत ही बड़ा एयर कंप्रेसर है जैसा आपको देखने को मिल रहा है। एंड इस साइड से आप देख सकते हैं ये शिफ्ट फैन लगा हुआ है, पुल्ली है जिसमें अटैच है उसके एंड वो हमारी जो मोटर है उसकी पुल्ली के जैसे अटैच है। इसमें दो बेल्ट हैं जैसे आप देख सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले जब ये मोटर स्टार्ट होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोटर हमारी रोटेट होती है, घूमती है, जिससे के कारण से जो पुल्ली है ये भी रोटेट होना स्टार्ट होती है, जिससे क्या होता है हमारे इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के अंदर पिस्टन होते हैं। जब वो घूमते हैं तो पिस्टन अप एंड डाउन मूव करते हैं, जिससे करने से हमारे जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है वो सक होती है। सक होने के बाद जब वो कंप्रेस्ड होती है अंदर, फिर वो फर्स्ट स्टेज के थ्रू इस इंटरकूलर के थ्रू सेकेंड स्टेज में आती है एंड फिर इस इंटरकूलर के थ्रू होते हुए होते वो हमारे जो एयर कंप्रेसर सिलेंडर है इसके अंदर आती है। जो इंटरकूलर का काम होता है वो कंप्रेस्ड एयर का जो टेम्परेचर होता है उसको कम कर देता है, बाकी उसी हाई प्रेशर के साथ जो एयर होती है वो जाती है और फिर सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज के बाद द्वारा इंटरकूलर में उसके टेम्परेचर को ठंडा किया जाता है ताकि वो बर्निंग कंडीशन पर ना आए। और इस टेम्परेचर को जब कंट्रोल करने के बाद जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसको उस सिलेंडर के अंदर भेज दिया जाता है और यहाँ पर हम उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितने कंप्रेस्ड एयर इस सिलेंडर के अंदर आ चुकी है, उसके बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रेशर मीटर है एंड ये कंट्रोलिंग वाला है ऑन एंड ऑफ करने के लिए। एंड आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल मोटर है जो इसे कम्प्लीटली रोटेट होने के लिए मदद करती है। उसके बाद आप यहाँ पे एक मीटर देख सकते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि जब हमारे कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर होती है तो उसमें होता है मॉइस्चर होते हैं, उसमें पानी की क्वांटिटी होती है। जब इस यूनिट के थ्रू वो जब वो कंप्रेस्ड एयर जाती है तो उसमें से जितना भी वो वाटर की क्वांटिटी होती है वो उसको फिल्टर कर देता है ताकि आगे वो वाटर एयर के साथ ना जा सके। तो ये उसी तरह का यूनिट होती है, इससे हमारी जो न्यूमेट्रिक्स गन होती हैं, जो गन होती हैं उनको उनकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ये होता है कि ये खराब बहुत ही कम होती हैं एंड इसकी लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमें जब भी अगर हमें कोई भी न्यूमेट्रिक गन का सिस्टम बनाना है हमारे एयर कंप्रेसर के साथ तो हमें इस वाली यूनिट को जरूर लगाना है, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एयर कंप्रेसर में जो वाटर होता है उसी क्वांटिटी को फिल्टर करता है, उसके बाद जो कंप्रेस्ड एयर इसमें से फ्लो होती है और जो कंप्रेस्ड एयर हमारी न्यूमेट्रिक गन में आ रही है जो हमारे हबके बोल्ट खोलने के लिए मदद करती है उसको उसमें जो एयर के साथ वाटर की क्वांटिटी नहीं जाती, जिसके कारण से हमारी इस न्यूमेटिक गन की लाइफ इंक्रीज होती है और इसकी खराब होने की कंडीशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है जैसा आप देख सकते हैं। तो यही सब चीजें हमारे इस एयर कंप्रेसर में, इसमें ये वाल्व भी देख सकते हैं आप और इसके नीचे आप सेफ्टी वाल्व भी लगा होता है जिसे आप देख सकते हैं। यहां से आप अगर इसमें टैंक के अंदर अगर इस टैंक के अंदर वाटर है तो आप यहां से निकाल भी सकते हैं। अब इसे देख सकते हैं अगर इस टैंक जो कंप्रेस्ड एयर है तो वो वाटर की क्वांटिटी इसमें हो जाती है तो उसे हम इस वॉल के थ्रू निकाल भी सकते हैं बाहर, ये सब देख सकते हैं एंड कितना वाइट है वो। और यही सब और इसके अंदर सेफ्टी वाल भी होता है, जब हाई प्रेशर हुआ था उसके अंदर तो उसके अंदर से एयर को बाहर निकालने के लिए। तो यही सब चीजें हैं इसमें, हमारे ऑयल डालाता है ताकि लुब्रिकेशन के लिए जो पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं उनमें लुब्रिकेशन हो सके। तो इसके जो ऑयल होता है और इसके जो एयर फिल्टर होता है उसको भी ध्यान रखना ताकि हमारे जो ब्लॉक्स हैं एज ए इंजन की तरह ही होता है, अभी ब्लॉक्स जो पिस्टन है उनकी लाइफ को इंक्रीज हो सके और उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट एयर कंप्रेसर। अगर इस वीडियो को देखकर आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है तो इस वीडियो को देख लाइक, रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक
थैंक यू गाइस।